नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज देश भर में 73वां गणतंत्र दिवस उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुक चर्चा का विषय बना हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री की वेशभूषा और उनका पहनावा कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की शॉल और उत्तराखंड की टोपी पहन रखी थी। प्रधानमंत्री की टोपी की विशेषता यह है कि यह टोपी उत्तराखंड राज्य की है और उसमें उत्तराखंड का ही राज्य पुष्प ब्रह्म कमल अंकित है। पीएम हर बार उत्तराखंड में अपने केदारनाथ दौरे के दौरान पूजा के समय इस फूल ब्रह्म कमल का इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलते। वहीं इस उत्तराखंडी टोपी के अलावा पीएम मोदी मणिपुर राज्य का स्टॉल भी पहने नजर आ रहे हैं, जो कि वहां का पारंपरिक पहनावा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हल्की भूरी सदरी क्रीम कलर का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निराला अंदाज और उनके कपड़े हमेशा से ही अलग छाप छोड़ते रहे हैं। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर हर साल की तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में देश की ताकत और संस्कृति की एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस बार की परेड में कई चीजें ऐसी हुई जिसका देश पहली बार गवाह बना। परेड का मुख्य आकर्षण 75 विमानों और हेलीकॉप्टर का फ्लाई पास्ट रहा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी जाट समुदाय को साधने के लिए कोशिश में जुटी है। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के 253 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगी। ये मीटिंग पार्टी के ही एक दिग्गज जाट नेता और सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर बुलाई गई है। इस बैठक में पश्चिमी यूपी के 14 जिलों के जाट समुदाय के प्रमुख नेता शामिल होंगे। अमित शाह इन सभी से जाटों की समस्याओं और नाराजगी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने की अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल इस बार जाट मुस्लिम गठजोड़ बनाकर पश्चिमी यूपी में बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश में है। इसलिए जाट समुदाय के नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गणतंत्र दिवस के मौके पर खटीमा उधम सिंह नगर बीजेपी मुख्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने चेकिंग अभियान चलाया। वहीं इस चेकिंग अभियान के दौरान जीआरपी और आरपीएफ ने स्टेशन पर छापेमारी की। ये चेकिंग अभियान आगरा कैंट स्टेशन के अलावा भी अन्य स्टेशनों पर चलाया गया। इसी के साथ ही स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी गई। बीएसपी से रुद्रपुर विधानसभा से अंकित प्रताप तिवारी के उम्मीदवार घोषित होने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। वहीं रुद्रपुर के काशीपुरम में स्थित बीएसपी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने प्रताप तिवारी अंकित का जोरदार स्वागत किया। अंकित प्रताप तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने रुद्रपुर विधानसभा से मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। मैं उनके भरोसे को खाली नहीं जाने दूंगा। कार्यकर्ताओं की इस उत्साह को देखते हुए और जो भी हमारे कार्यकर्ता जिला स्तर के हैं, विधानसभा स्तर के हैं, बूथ स्तर के हैं, सबके उत्साह को देखते हुए अब तो और भरोसा बढ़ गया है कि विधानसभा के चुनाव 2022 का इस बार का जो रुद्रपुर विधानसभा की सीट है वो हम लोग जरूर जीतेंगे। और एक सीट का योगदान अपने माननीय बहन जी को सीएम बनाने के लिए हम लोग रुद्रपुर विधानसभा का सीट जरूर जीत के देंगे। फतेहपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने सभी जिले वासियों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भयमुक्त होकर मतदान करने की सभी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, इसलिए बिना किसी डर के निर्भीक होकर सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।
जिस तारीख को नेशनल वोटर्स डे के दिन 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगी कि 25 जनवरी के दिन नेशनल वोटर्स डे के दिन मैं जितने भी वोटर्स हैं, सभी जितने भी निवासी हैं जनपद के, सभी को मैं सर्वप्रथम इस दिवस की शुभकामना देती हूँ। हम सभी ने संकल्प लिया है अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग के लिए, इसको इस लोकतंत्र के पर्व में आत्मसमर्पित होते हुए किस प्रकार से हम लोगों को अपना इस समाज में जो योगदान दिया जाना है। और आज जो 3 स्वीप के कार्यक्रम, वैसे स्वीप का कार्यक्रम लगातार चलता रहा है, बढ़ते हुए और बदलते परिवेश कोरोना संक्रमण के कारण ज़्यादातर जो प्रतियोगिताएं थी, ज़्यादातर अभी कहना चाहूँगी ऑलमोस्ट सारे ही प्रतियोगिताएं डिजिटल रूप से की गई थी, यूट्यूब चैनल स्वीप फतेहपुर के नाम से और DM फतेहपुर के पेज और स्वीप फतेहपुर के पेज पे हैं। फतेहपुर में भावी प्रत्याशी धर्मेंद्र पाल ने सदर विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान धर्मेंद्र पाल ने ग्रामीण इलाकों में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की, उनका हाल जाना, उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से भी धर्मेंद्र पाल को अवगत कराया। गोरखपुर के जंगा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया, जहां पर ग्राम पंचायत नोवाबारी पलिया निवासी 2 युवकों की हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के बाद दोनों के शवों को दफना दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। हमीरपुर में तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं सदर विधानसभा से BSP के अलावा किसी भी पार्टी ने टिकट घोषित नहीं किया। सदर सीट से BSP प्रत्याशी रामफूल निषाद ने नामांकन पत्र खरीदा। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी से विधानसभा 27 मुरादाबाद देहात के मौजूदा विधायक हाजी कराम कुरैशी के हजारों समर्थकों ने टिकट वापसी को लेकर प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी से मांग की है कि विधानसभा 27 से विधायक हाजी इकराम कुरैशी का पुनर्विचार कर टिकट वापस लिया जाए। हाजी इकराम कुरैशी 28 साल से काम कर रहे हैं और आज तक किसी और पार्टी का दामन नहीं थामा है। मैं एक कमेटी बना रहा हूं अभी 11 लोगों की, पूरी जनता की मांग सुनने के बाद वो 11 लोग उस कमेटी में ये तय करेंगे कि हमें क्या फैसला लेना है। हमारी 28 साल की कुर्बानी, हमने 28 साल समाजवादी पार्टी को विभिन्न पदों पर रहकर सींचा, खून से सींचा, इसमें दो राय नहीं है कि हमें अखिलेश यादव भी और मुलायम सिंह यादव जी से भी बहुत प्यार है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे कुशीनगर के पूर्व सांसद RPN सिंह ने दिल्ली BJP मुख्यालय में BJP की सदस्यता ग्रहण कर ली। जैसी ये जानकारी उनके समर्थकों को मिली तो लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर उनके इस निर्णय की सराहना की है। पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के कुशल निर्देशन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 24 घंटे का ऑपरेशन दस्तक अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने वांछित अपराधी कुल 76 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की है। अभियान के अंतर्गत 5 नफर पुरस्कार घोषित अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई है। देखिए, जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आगामी चुनाव के दृष्टिगत एवं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत
एक अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया गया। ये अभियान 24 घंटे के लिए चलाया गया था और विशेष रूप से इसमें चार बिंदुओं पे कार्रवाई करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया गया। वो चार बिंदु थे, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, जिला बदर अपराधियों की गिरफ्तारी एवं घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, मैं श्री मिश्रा शासकीय अधिकारी नगर पंचायत बस्ती का तालाब के पद पर। मैं देश के समस्त क्षेत्रवासियों और नागरिकों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के दर्शकों को आगामी 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी दर्शकों से, आम जनता से अनुरोध करता हूँ कि समय समय पर COVID-19 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का पालन करें, अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कराएं और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में बूथों पर जाके आगामी चुनाव को सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को बिट्टू यादव की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं बिट्टू यादव आप सभी से अपील करता हूँ कि सभी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और घर पर सुरक्षित रहें। आप सभी को चित्र सिंह चंदेल GMD ग्रुप की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहें। मैं अध्यक्ष नगर पंचायत उसावा धीरेन्द्र पाल गुप्ता, आप सभी सम्मानित नगरवासियों एवं अपने क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आगामी 14 फरवरी के लिए विधानसभा चुनाव में मतदान होना है। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 14 फरवरी को आप सभी लोग अपने अपने मत का 100% प्रयोग करें एवं निष्पक्ष चुनाव में अपनी सहभागिता करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्री मिश्रा शासकीय अधिकारी नगर पंचायत बस्ती का तालाब के पद पर। मैं देश के समस्त क्षेत्रवासियों और नागरिकों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के दर्शकों को आगामी 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी दर्शकों से, आम जनता से अनुरोध करता हूँ कि समय समय पर COVID-19 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का पालन करें, अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कराएं और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वोटों पे जाके आगामी चुनाव को सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को डॉक्टर अंशु मिश्रा की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं डॉक्टर अंशु मिश्रा आप सभी से अपील करती हूं कि सभी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क का नियमित प्रयोग करें और भीड़भाड़ से बचें। जो लोग वैक्सीनेशन से वंचित हैं, वे जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोविड को नियंत्रित करने में सहयोग करें। बेवजह घर से बाहर ना जाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। आप सभी को हरीश चंद SDO की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हरीश चंद SDO हमीरपुर की तरफ से आप सभी से अपील करता हूं कि सभी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और घर पर सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित कुमार महाराज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट राम सागर मिश्र सौसैया सहित चिकित्सालय साड़ामू बख्शी का तालाब लखनऊ, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि वर्तमान में जैसा आप सबको विदित है कि कोविड महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इस महामारी से बचने हेतु सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन करें और साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, जिससे कि इस भयानक बीमारी से हम स्वयं एवं अपने समाज को बचा सकें और अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं पवन सिंह चौहान, SR गौतम सीजन चेयरमैन। सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं इस कोरोना काल में सभी लोग स्वस्थ रहते हुए इस महापर्व को बड़े हर्षोल्लास मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं श्री मिश्रा शासकीय अधिकारी नगर पंचायत बस्ती का तालाब के पद पर। मैं देश के समस्त क्षेत्रवासियों और नागरिकों को
73वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के दर्शकों को आगामी 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी दर्शकों से, आम जनता से अनुरोध करता हूँ कि समय समय पर COVID-19 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का पालन करें, अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कराएं और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में बूथों पर जाके आगामी चुनाव को सफल बनाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। रुद्रप्रयाग से बीजेपी के प्रत्याशी भरत सिंह चौधरी ने अपना नामांकन करवा दिया। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर विधानसभा के हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की ओर से मिठाइयां भी बांटी गई। पृष्ठभूमि की अगर बात करेंगे तो अब कितनी पृष्ठभूमियाँ हैं शायद उन्होंने भी गिनना छोड़ दिया होगा। वो कांग्रेस में थे, भाजपा में आए, भाजपा से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से भाजपा में आए, भाजपा से फिर कांग्रेस में गए। तो अब पृष्ठभूमि की बात करना मेरे ख्याल से उनके लिए भी बेमानी हो चुका है, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमियाँ कितनी बार बदल चुकी हैं। देखिए वो तो सेंधमारी करेंगे और कांग्रेस से जो है एन ब्लॉक पूरा खिसक करके जो भाजपा में आएगा तो हमको सेंधमारी करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ लैंडस्लाइड बड़ा होने वाला है। तो अगर वो सेंधमारी करते हैं तो मुझे शायद उसमें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव कैंपेन कमेटी उत्तराखंड के चेयरमैन और काशीपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली ने काशीपुर चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर अभय प्रताप सिंह के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी तरफ से पर्चा दाखिल किया गया है और मैं काशीपुर में काशीपुर की तस्वीर बदलने के लिए मैदान में उतरा हूँ, जिसमें मुझे आम जनमानस का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सब प्रक्रिया काफी सहयोग से सब पूरी हो गई। जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें जो भी कानूनी रास्ते बताए गए थे उस तरीके से हमने पूरा किया है और सब व्यवस्थित तरीके से हो गया है। मैंने एक पूरा रोड मैप बना रखा है, जनता जब मुझे आशीर्वाद देगी तो उस रोड मैप पर काम करूंगा। जितने भी विकास कार्य रुके हुए हैं या होने चाहिए और काशीपुर की जो समस्याएँ हैं, चाहे वो बिजली को लेकर, पानी को लेकर, रोजगार को लेकर, सड़क नाली को लेकर, उन सभी को दूर किया जाएगा। वन बाय वन पूरे तरीके से जो काशीपुर का विकास होना चाहिए था उसको किया जाएगा। ऋषिकेश में करीब 2 महीने पहले कृष्णानगर कॉलोनी के पास झाड़ियों में मिले विवाहिता के शव के मामले में हत्या की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विवाहिता को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का शक हत्या में उसके पति के शामिल होने पर है, जो विवाहिता के शव मिलने के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। सितारगंज में 69 विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता से चुनाव को लेकर जहां सबसे पहला नामांकन ज्योति राणा का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हुआ, तो वहीं आम आदमी पार्टी से आनंद सिंह राणा ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हैरानी की बात तो ये है कि 21 जनवरी से अभी तक किसी की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया था। मैं आम आदमी पार्टी से नानकमत्ता के लिए नामांकन किया है। मेन मुद्दा तो शिक्षा का है हमारा, शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा अच्छी होगी तो रोज़गार मिलेगा, रोज़गार अच्छा मिलेगा तो बच्चे हमारे कुछ भी कर सकते हैं। और केजरीवाल जी की जो गारंटी योजनाएं चल रही हैं उनसे पूरी जनता प्रभावित है, विशेषकर महिलाओं को, 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये महीना केजरीवाल सर ने किया है। उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर विधानसभा पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। झबरेड़ा विधानसभा में भी लंबी किश्तानी के बाद युवा चेहरा वीरेंद्र कुमारी जाति को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। टिकट मिलने के बाद वीरेंद्र जाति ने कांग्रेस हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। वीरेंद्र कुमार जाति ने कहा कि इस बार उत्तराखंड प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आ रही है।
ये झबरेड़ा विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है कि 2012 और 2017 इन 10 वर्षों में झबरेड़ा विधानसभा विकास कार्यों को लेकर के काफ़ी पीछे रही है। आप स्वयं भी क्षेत्र का भ्रमण करते रहे होंगे, आप खुद ही अगर आसपास की विधानसभाओं को देखें और झबरेड़ा का कंपैरिजन करें, झबरेड़ा की तुलना करें, तो आप स्वयं महसूस करते होंगे कि झबरेड़ा कहीं ना कहीं विकास कार्यों में काफ़ी पीछे है। और अब की बार 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को जनादेश यहाँ से मिला था, तब हो सकता है लोगों की कहीं ना कहीं अपेक्षाएं हों कि भाई भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी शायद आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, तो हो सकता है कि डबल इंजन होने से या ट्रिपल इंजन मानिए केंद्र में भी वो हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से लाई जा रही 1 किलो हेरोइन के साथ एसएसजी की टीम ने 2 पश्चिम बंगाल निवासी और 1 उधम सिंह नगर के युवक को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की कीमत 1,30,00,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी पहले भी कई जगह पर हेरोइन की सप्लाई कर चुके हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी के साथ ही आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया। देखिए, सिंथेटिक ड्रग जो है एसओजी द्वारा पकड़ा गया है, ये तकरीबन 1 kg इसका जो अमाउंट है और 1,20,00,000 के आसपास इसकी कीमत बताई जा रही है। और यहाँ जो है वेस्ट बंगाल से कुछ लोगों द्वारा यहाँ की जा रही तस्करी और इसमें डिटेल्स और लिए जा रहे हैं। संभवतः ये बांग्लादेश से इसको लाते हैं और यहाँ पर आके इनका एक लोकल कॉन्टैक्ट है, उसके माध्यम से ये देते हैं। चमोली की 3 विधानसभा में नामांकन हुआ। बद्रीनाथ विधानसभा में महेंद्र प्रताप भट्ट बीजेपी, राजेंद्र भंडारी कांग्रेस, विनोद जोशी भाकपा, पुष्कर लाल बेजवाल PPID ने नामांकन किया। तो वहीं थराली विधानसभा में कुंवर राम CPIM ने अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। बहुत सारे मुद्दे हैं इस पहाड़ में, पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सारे मुद्दों को लेकर के, और जैसा मेरे साथी ने बताया भी, हम इन चुनावों को एक बदलाव की आवाज़ के रूप में, इन चुनावों के बदलाव की आवाज़ के रूप में जनता के बीच जा रहे हैं। जो 21.5 सालों से उत्तराखंड जिस लिए हमने मांगा था, जिन बिंदुओं को लेकर के उत्तराखंड राज्य का आंदोलन लड़ा गया था, वो मसले अभी भी जैसे के तैसे हैं। इसलिए हम इस चुनाव के माध्यम से जनता के सभी तबकों से अपील कर रहे हैं कि समय बदलाव के लिए बद्रीनाथ ने 3 विधानसभाएं हमारी चमोली जनपद की 3 विधानसभाओं में बदलाव के लिए वोट दीजिए। आज मैंने अपना नामांकन कर दिया है और ये नामांकन मेरी कर्णप्रयाग की विधानसभा के चरणों में, जो मेरी जनप्रिय नेता है, जनता है, उनके चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने पिछले 35 साल से काम किया है और 35 साल के काम करने के बाद मैंने 2-3 बार टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने मेरे टिकट पर अमल नहीं किया। हमारे देश स्वतंत्र हुए और संविधान को लागू हुए लगभग 72 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने, जो है हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, उन्हें अभी तक जो है लागू नहीं की। हमारी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया इस समय 3 प्रदेशों में चुनाव लड़ रही है, पंजाब में चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। यदि जनता का हमें समर्थन मिलेगा तो हम आने वाले समय में जो है उत्तराखंड के लोगों की सेवा का हमें अवसर मिलेगा, तो हम विकास के लिए पूरी जो है तैयारी करेंगे। गदरपुर तहसील में आप पार्टी के प्रत्याशी जनरल सिंह काली ने रिटर्निंग ऑफिसर रमेश त्रिपाठी के सामने अपना पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान जनरल सिंह काली ने कहा कि मैं पहले भी 3 बार चुनाव लड़ चुका हूं, इस बार चुनाव आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से बूथ स्तर पर मजबूती से कार्य किया जा रहा है, जिससे गदरपुर विधानसभा में आप पार्टी की भारी बहुमत से जीत होनी तय है। नामांकन किया है और अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं तो आज से 3-4 महीने पहले से लगा हुआ हूँ, पहले से पब्लिक की मांग थी परिवर्तन होना चाहिए, इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम पर्चा भरते थे और पर्चे भरने से हमें ये लगता था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ा जाता बूथों से, जो कि हमारी तैयारी नहीं होती थी। आज आम आदमी पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आज पता लग रहा है कि वास्तव में चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है। हर बूथ पर तैयारी हो रही है, हम भी कर रहे हैं और पार्टी वाले खुद करवा रहे हैं। और हम, मुझे खुद लग रहा है, जो 3 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, हारा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी खामियाँ थी, जो हमारे बूथ तैयार नहीं थे, जो हमारे वॉलंटियर तैयार नहीं थे, उसमें कहीं ना कहीं खामियाँ थी, तो हम चुनाव हारे थे। इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा, इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।